दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नई प्रेस अपडेट के साथ। बहुत ही बड़ी तो लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। राजस्थान बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान बेरोजगारों के लिए तो बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खाली पदों को भरने की दी हरी झंडी। सभी अलग अलग तो विभागों में होगी 1,02,870 पदों पर, यानी कि वह तकरीबन 1,00,000 से वो ज़्यादा तो खाली पदों पर होगी भर्ती। इसकी पूरी ऑफिशियल अपडेट वो नोटिस आ चुका है, आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो देखिए दोस्तों पूरा ऑफिशियल आर्टिकल, ये देखिए दोस्तों अलग अलग वो खाली पद, यानी कि 1,02,870 पदों पर लाखों तो बेरोजगारों के टूट रहे, वो सब भर्ती के वो ट्रैक में खड़े हैं बेरोजगार, हरी झंडी का कर रहा इंतज़ार। यानी कि तो इतने पदों पर हरी झंडी मिलनी है, आप देख सकते हो अलग अलग पदों के अंदर है। वो रीट हो गए तो प्रधान आचार्य, तो प्रधान अध्यापक, तो वैक्यता, और इसके अलावा तो वैक्या के अलावा तो वरिष्ठ अध्यापक, उत्तरतीय व श्रेणी व शिक्षक लेवल फर्स्ट, उत्तरतीय श्रेणी व शिक्षक लेवल टू, लेवल व थर्ड, इसके अलावा वो शारीरिक व शिक्षक और तो कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, यानी कि वह टोटल तो बात करें तो 1,02,870 तो पद वो खाली है, जो कि माध्यमिक व शिक्षा विभाग में, यानी कि शिक्षा विभाग में ओनली फॉर इतने पद खाली है। यानी कि अब वह शिक्षा विभाग में इतने पद तो भरने हैं। अब आपको सभी को पता है कि अब तो बेरोजगारों को 2 साल के अंदर वो कोरोना महामारी के कारण 2 साल के अंदर इतनी ज़्यादा भर्तियाँ नहीं है। अब आपकी दोस्तों तो भर्तियाँ होगी 100%, तो बेरोजगारों को 2021 के अंदर उनको रोज़गार मिलना तय है। तो बड़ी संख्या के अंदर भर्ती आएंगी, तो जितने भी बेरोजगार उम्मीदवार हैं वे सब अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ाई वो शुरू कर दें, ताकि आपको 2021 में बेरोजगारी का वो दर्द ना झेलना पड़े। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।